हेलो फ्रेंड, स्वागत है सबके आरबीटी टू क्लासेस में। आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 161 से है, तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1.5, 2.3, -2, -11 आर कोलिनियर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोलिनियर क्या होता है। देखिए, अगर कोई लाइन है और इस पे इसके एंड पॉइंट को छोड़ करके अगर कोई पॉइंट है और इसी लाइन पर है, तब उसको कोलिनियर कहा जाएगा। मतलब मान लीजिए कि ये ए बी है और इस पर कोई पॉइंट सी डी ई है, तो यहां पर पॉइंट सी डी एंड ई आर कोलिनियर। लेकिन अगर कोई लाइन ए बी है और कोई पॉइंट है जो इस लाइन पर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां पर बी है, सॉरी यहां पे सी है, यहां पे डी है, यहां पर ई है, तो ये जो पॉइंट है सी डी ई ये इस लाइन पर नहीं है, तो इनको कहा जाएगा पॉइंट्स सी डी एंड ई आर नॉन कोलिनियर। ओके, तो यहां से आपको समझ में आएगा कि कोलिनियर क्या होता है, नॉन कोलिनियर क्या होता है। तो इसमें ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पर हो, जैसे सी डी ई इसी लाइन पर है, तब ये कोलिनियर है। ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पर ना हो, जैसे सी डी ई लाइन पर नहीं है, तो इसे नॉन कोलिनियर कहा जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे इसके बारे में पूछा नहीं है, इसके बारे में पूछा है, तो हमें इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जिससे ये पता चले कि जो पॉइंट है वो लाइन पर है, सेम लाइन पर है। तो अगर वो सेम लाइन पर होंगे तो कोलिनियर हो जाएगा, अगर वो सेम लाइन पर नहीं होंगे तो वो नॉन कोलिनियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई लाइन है, लेट अस कंसीडर पॉइंट्स ए 1.5 एंड डी 2.3 एंड सी -2, -11 आर लाइज ऑन सेम प्लेन तो यहां पर ये जो पॉइंट्स हैं ये सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं, लेकिन ये सेम लाइन पर लाई करेंगे कि नहीं, इसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी के बीच का। सो फॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो यहां से हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ए बी के लिए। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि जब हम ए बी ले रहे हैं तो यहां पर ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास x1 है, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 2 - 1 और ये मान लीजिए y2 है और ये y1 है का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से जब हम माइनस करेंगे 2 - 1 तो हमारे पास आएगा 1 का होल स्क्वायर, और यहां से जब हम 3 - 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 1 की वैल्यू 1 आएगी और -2 का होल स्क्वायर आएगा हमारे पास 4। तो इस प्रकार से हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 5 यूनिट। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 5 यूनिट। इसी प्रकार से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फार डिस्टेंस बी सी, यहां पर हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए बी के पॉइंट ये है और सी के पॉइंट ये है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो एक्स टू है हमारे पास वो -2 है और ये हमारा एक्स टू हो जाएगा और ये हमारा एक्स वन हो जाएगा। तो एक्स टू हो गया हमारे पास -2 और एक्स वन भी हो गया हमारे पास 2। यहाँ पे माइनस साइन फार्मूले में तो रखेंगे, इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस वाई टू की वैल्यू ये हो जाएगी -11, माइनस साइन फार्मूले में है और यह -3 हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -14 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो
आगे देखेंगे क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास माइनस फोर का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, 14 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196। इनको ऐड कर लेंगे तो 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, प्लस 1 11 हो जाएगा 1 कैरी, और 1 प्लस 1 2। तो यहां से हमारे पास बीसी की वैल्यू आ जाएगी 212। इसी प्रकार से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे एसी का। सो फार डिस्टेंस एसी, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो यहां से हम देखेंगे कि भाई जब हम एसी मानेंगे यहां पर, तो हमारे पास ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। तो यहां पर x2 आएगा -2 और माइनस फार्मूले में होता है ये जाएगा -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हो जाएगा हमारे पास -11 और y1 हो जाएगा हमारे पास -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2 -1 कितना आता है -3 का होल स्क्वायर, प्लस -11 -15 हो जाएगा हमारे पास -16 का होल स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 और 16 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256। इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 प्लस 9 15, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 2। तो हमारे पास एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 265। अगर हमें यहां तक इतना पता चल गया तो बाकी हम इतना इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहां तक तो हमने फाइंड कर लिया, जहां से हमें एबी की वैल्यू आ गई 5 यूनिट, बीसी की वैल्यू आ गई हमारे पास 212 और एसी की वैल्यू आ गई हमारे पास 256, जिनमें से सबसे बड़ा हमारे पास एसी है, फिर उससे छोटा बीसी है, फिर उससे छोटा हमारा एबी है। तो हम यहां से कह सकते हैं एबी इज लेस देन बीसी इज लेस देन एसी। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या कि जो सबसे बड़ा होगा वो राइट साइड रहेगा, जो सबसे छोटा होगा दोनों उनका सम जो होगा वो लेफ्ट साइड रहेगा। तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी जो होगा वो इक्वल टू होना चाहिए ए सी के। अगर ये सेम लाइन पर हैं तो ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के इक्वल होना चाहिए। वैल्यू रख के देख लेते हैं, तो जब हम ए को प्लस करेंगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 212, तो ये हमारे पास होना चाहिए अंडर रूट 265 के। तो स्टूडेंट जब हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होंगे। तो हम यहां से कह सकते हैं सिंस ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, सो देयरफॉर वी कैन से दैट पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। तो स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो पॉइंट होंगे तीनों वो कॉलिनियर नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो लेके मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।